काम और कार्यशील जनसंख्या। हमारे देश की जनगणना में किसे श्रमिक या उत्पादक काम करने वाला माने, ये बहुत उलझाने वाले सवाल हैं। ज़्यादातर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता, उनके काम का स्वरूप बदलते रहता है। लोगों के पास कभी रोजगार होता है और कभी वे खाली बैठे होते हैं। ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए, इसका ठीक ठीक हल तो नहीं निकल सकता है, मगर जनगणना आयोग उसके लिए एक काम चलाऊ परिभाषा का उपयोग करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा गया है। यह भागीदारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हो सकती है। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल है, बल्कि सुपरवाइजरी और निर्देशन भी इसी श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल हैं। इस तरह उपर्युक्त कार्यों में लगे सभी लोग श्रमिक हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए भी पूरी तरह से खेती या दूध के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको भी श्रमिक के रूप में माना जाता है। लेकिन दैनिक घरेलू काम करना, जैसे खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई आदि को उत्पादक श्रम नहीं माना गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 10% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 60% लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा फर्क है, यहाँ 32% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 16% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 52% लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं। साक्षरता। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 74.04% थी, अर्थात हर 4 में से 3 व्यक्ति पढ़े लिखे थे। अगर आप पहले की जनगणना के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस दिशा में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में जहां साक्षरता महज 18% थी, अर्थात 100 में 82 लोग निरक्षर थे, वहीं 2001 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 64.84 हो गई। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 74% से ऊपर हो गई, पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। जहां पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। इसी प्रकार साक्षरता की दरों में स्थानिक भिन्नता भी दिखाई देती है, जैसे कि एक तरफ जहां केरल 93.93%, मिजोरम 91.58%, त्रिपुरा 87.75% राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं, वहीं बिहार 63.82%, राजस्थान 67.06%, झारखंड 67.65% आदि ऐसे राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है।